बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ मिठाई वाला पाठ, जिसका कुछ अंश मैं पढ़ा चुकी हूँ और कुछ शेष बचा है जो पढ़ाने चल रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ शुरू हो जाइए, मैं शुरू करती हूँ। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। मुरली दो मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई सारे रंग की मुरलियाँ थी, जो बच्चों को जो रंग पसंद करते मुरली उसी रंग की निकाल देता। तो मुरली वाला विजय बाबू ने तो अपने बच्चे के लिए मुरली खरीद ली और खरीद करके वो चले जाते हैं और झुंड बच्चों का उन्हें घेरे रहता है। जब बच्चों का झुंड घेरे रहता है तो वो जो बच्चा जो मांगता उसके लिए वो ही निकाल करके दे देते कि किस तरह से बच्चे खुश हो जाएं। बस उसका ये विचार रहता कि बच्चे किसी तरह से खुश हो जाएं। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी, जिसको जो अच्छी लगती वो दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू राजा, तुम्हारे लायक तो बस यही है। ये कह कहकर वो फुसलाता था कि तुम्हारे लायक तो बस यही है, तुम इसको ले लो। हाँ भैया, तुमको वही देंगे। अब जो बच्चा जिद कर लेता था या जो रोने लगता था उसको वो उसी तरह की मुरली देते कि तुम्हारे लिए तो यही है, तुम इसको ले लो। ये लो, तुमको पैसे वैसी नहीं चाहिए। मतलब बच्चों के मन के भावों को समझने के लिए वो जैसा चाहते थे वैसा उसको समझा बुझा कर करते थे। तो जो कहता था मुझे ये नहीं चाहिए, उसको वो कहते थे ठीक है ये नहीं चाहिए तो ये लो। और इस तरह से वो फुसला करके बच्चों को चीजें देते, तुमको ये चाहिए तुमको वो चाहिए, ऐसे कह करके। नारंगी वाली बहुत अच्छी है, अच्छा वही ले लो। लो ले आए पैसे? अब उसका सवाल रहता कि पैसे लाए हो? अगर पैसे लाए हो तो तुम्हें मिलेगी। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए तो मैंने पहले ही निकाल के रखी थी। ऐसे कह कह करके वो फुसलाता है कि तुम्हारे लिए तो मैंने पहले ही रखी थी। तो फिर कहता है तुमको पैसे नहीं मिले? यानी जो बच्चे जिस तरह से चीजों को मांगते उस तरह से वो चीजों को देता, और जो बच्चे कहते कि उसको पैसे नहीं मिले उनको वो समझाता कि तुमने ठीक से मांगे नहीं होंगे, तुम्हें तुम्हारे मांगने का तरीका अच्छा है, तुम फुसलाना नहीं जानते हो, माँ का पैर पकड़कर आंचल पकड़कर मांगा जाता है, बहुत कुछ कहता था। तो उसने ये सब भी कहा। फिर तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे, धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ। फिर वो कहता कि जाओ फिर से समझो और फिर मांग के लाओ, देखो तुम्हें मिलते हैं कि नहीं, अब की बार मिल जाएंगे। तो ये भी समझाता कि अब की बार तुमको मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, लो पैसे वापस लो। अब कोई बच्चा आके उनसे ये कह देता कि मेरे पास पैसे तो है, फुटकर नहीं है, चेंज नहीं है, फुटकर नहीं है। तो वो कहता कोई बात नहीं, मैं पैसे वापस दूंगा, और ऐसे कह करके वो उन्हें पैसे भी वापस देता। तो वो पैसे ले लेता और फिर पैसे वापस देके कहता कि लो देखो तुमने तुमको मैंने पैसे वापस दिए हैं, ठीक तरह से लेना, हिसाब करके जाना, हिसाब समझ में आता है कि नहीं, घर जाके वापस करना, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई ना। और फिर वो कहता कि देखो मैंने तुम्हें तरकीब बताई, तुम्हें पैसे मिलने लगे तो तुमको तरकीब भी आ गई और तुम अपने बांसुरी भी तुम्हें मिल गई, मुरली भी मिल गई, सब ले चुके। फिर वो सबसे पूछता कि सबने खरीद लिया है ना, किसी कोई तो ऐसा नहीं है कि जिसको कि पैसे ना मिले हो या जिसको लेनी थी वो ना ले पाया हो। तो सबसे वो सवाल पूछता कि तुम्हें पैसे मिले कि नहीं, तुम कैसे लेना चाहते हो, कौन सी चाहते हो, सब सवाल उस सबके दिल का पूछ के तब वो सारी चीजें देता। अच्छा लो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। फिर मुरली वाला ऐसे आगे बढ़ गया। अब तीसरे हिस्से की कहानी आई तो फिर उस कुछ कुछ बेचने आया। फिर 8 महीने के बाद की कहानी आई। 8 महीने के बाद फिर वो सामान बेचने आया और 8 महीने के बाद उसने सारी चीजें बेची, समझाई, चीजों को लिया और फिर उसने सब चीजें बेच ली। मिठाई वाला हर्षण से और विस्मयाद से भाव से डूबकर, ही मैंने पीछे की कहानी थोड़ी सी दोहराई कैसे कैसे वो चीजें बेचता था। फिर उसने कहा, मिठाई वाला हर्षण से और विस्मयाद भाव से डूबकर बोला,
दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 देते तो मिठाई वाला बोल पड़ता है, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता। आखिरी बार वो मिठाई लेके बेचने आता है तो जब उसकी आवाज सुनी तो रोहिणी छत से उतर के आती, जो अपने बाल सुखाती रहती है, और सुखाते हुए वो आती है नीचे। तो उसने दादी से कहा कि मैं चेक के बाहर कैसे जा सकती हूँ, तुम बाहर जाओ और उस मिठाई वाले को रोको, मैं तुझसे चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लूँ। फिर दादी उससे कहती हैं और दादी उसे मोल भाव करने लगती हैं। वो कहता है इतने में दूंगा, दादी कहती है इतने में लूंगी, मैं बूढ़ी हूँ दादी हूँ और इतना भी नहीं देते हो, तो तमाम तरह से चीजें कहते हैं कई। फिर रोहिणी ने दादी से कहा कुछ भी हो इससे पूछो कि, अब रोहिणी के मन में तो सवाल आता है कि क्या हुआ, जो ये क्या पहले भी आया था, इस बात का पता लगाओ। तो उसने अच्छी तरह से उससे पूछा कि भाई तुम पहले भी आते थे क्या, तुम्हारी आवाज जानी सुनी है, तुम्हारी जो बेचने का तरीका है बच्चों के लिए खिलौने मुरली मिठाई सब एक सा है, तो क्या तुम पहले भी आए हो। तो वो अपने दिल के भाव को बताता है और रोहिणी चिक्के आड़ से बोली, पहले ये मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज। रोहिणी ने सवाल किया कि तुम पहले क्या बेचते थे, अब क्या बेचते हो। तो उसने कहा भी कि तुम इतनी सस्ती चीजें दे देते हो, भला तुम्हें मिलता क्या है। तो मिठाई वाला कहता मिलता क्या है, बस संतोष मिलता है, संतुष्टि के लिए करता हूँ और जीने खाने भर की चीजें। और फिर कहता कि व्यर्थ की बातों की चर्चा क्यों करूं, वास्तव में व्यर्थ की बातों की चर्चा क्यों करूं, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो सुन कहता हूं या तुम सुनोगे तो दुखी होगा, लेकिन रोहिणी जिद करती है कि अगर इतना बताया तो थोड़ा और बता दो, थोड़ा और बता दो तो कम से कम मुझे संतुष्टि मिल जाएगी और मैं तुम्हें कि तुम वही मुरली वाले हो, मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ, तुम अपना सामान बेचो और मुझे अपनी बातें बता दो, इतना सब बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा। तो शब्द आया है हर्जा ना होगा, शब्द आया है हर्जा यानी नुकसान, मतलब तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दाम देने को तैयार हूं, लेकिन तुम मुझे बता दो। फिर उत्सुक शब्द है, उत्सुकता शब्द मतलब जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा उसके मन में आती है तो वो जान जाता है इस तरह से। फिर मिठाई मैं और भी ले लूंगी, फिर वो कहती है कि मैं और मिठाई तुमसे ले लूंगी, तुम घबराओ नहीं, लेकिन तो अपने बारे में बताओ। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, प्रतिष्ठित सम्मानित। तो उसने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था और मेरे पास भी मकान व्यवसाय गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे थे, मेरा वह सोने सा संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। तो मिठाई वाले ने सब कुछ बताया कि मेरे पास सब कुछ था, मकान घर परिवार बच्चे स्त्री सब कुछ था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि उनके छोटा सा संसार उनसे बिखर गया बिछड़ गया, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। तो सब कुछ हुआ, उसने बताता है कि उसके पास एक सुंदर सी स्त्री भी थी, उसकी पत्नी जो उसका प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। बच्चों की तारीफ करते हुए कहता है कि बच्चे तो इतने सुंदर थे जैसे वो सोने के खिलौने हों, कहीं आखिर कहीं न जन्मे होंगे, लेकिन परिस्थिति बस उनसे बिछड़ जाते हैं,
उनकी अटकेलियों के बारे में घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति है, विधाता की लीला। तो कोलाहल मतलब शोरगुल। कोलाहल का मतलब शोरगुल हुआ। और फिर है विधाता, भगवान। तो विधाता की लीला का कहा कि विधाता की लीला का क्या कहना, वो किसी भी तरह से विधाता की लीला है, जो लिखा था वो हो गया। तो उसने कहा कि बच्चे तो इतने सुंदर थे जैसे सजीव जीवित मिट्टी के जो खिलौने होते, बोलते जागते खिलौनों की तरह लग रहे थे। लेकिन विधाता की लीला के आगे उसका वश नहीं था कि वो क्या कहता, कैसे कहता। तो उसके पास कोई और उपाय भी नहीं था, इसलिए अपने उन बच्चों को रोज खोजने खोज में निकला हूं। अब कोई नहीं है दादी, प्राण निकाले नहीं निकले। उसने कहा कि दादी मेरे साथ ये घटना घटी तो जरूर है, मेरे प्राण निकाले नहीं निकलते हैं, मेरे बस में नहीं है, लेकिन क्या करूं, मैं उन्हीं बच्चों की खोज में निकला हूं जो मुझसे बिछड़ गए हैं। संभवतः कोई तो मुझे मिल जाए जो मुझे ये लगे कि बच्चे मेरे साथ हैं और इस तरह से। तो उसे लगता है कि बच्चे कहीं तो मिल जाए, कुछ तो उसको पता लगे कि बच्चे उसके साथ हैं, सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह जीवन में कभी कभी उन बच्चों की झलक से मिल जाती है। उसने कहा मैं तो सामान इसीलिए बेचता हूँ कि मुझे उस बच्चों की झलक मिल जाए, देखने को मिल जाए। और पैसे की कमी थोड़ी ही है, फिर वो कहता है कि सुंदर स्त्री थी, मेरे प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटकेलियां के मारे घर में कोलाहल और मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है दादी, प्राण निकाले नहीं निकले। उसने कहा कि प्राण तो अपने वश में है नहीं कि जो निकाले निकलते हैं, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। इसलिए वो कहता कि मैं बच्चों की खोज में निकला हूँ कि शायद वो बच्चे मुझे किसी रूप में मिल जाएं। वे सब अंत में होंगे तो कहीं यहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्म में होंगे। अपने बच्चों को बच्चों के बीच में तलाशता हुआ कहता है कि कहीं तो वो जन्म में होंगे, कहीं तो वो होंगे। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह से भी पा लेता हूँ। उसने कहा कि पैसे की कमी नहीं है, पैसे तो मुझे मिल जाते हैं, और नहीं भी मिलते तो मैं अपने पैसों को ऐसे कमा लेता हूँ, जो नहीं है तो इस तरह कमा लेता हूँ। रोहिणी अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। और रोहिणी ने जब ध्यान दिया तो उसने क्या देखा कि उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से बिल्कुल तरबतर है, भीगी हैं। और उसी समय उसके बच्चे आ जाते हैं, चुन्नू और मुन्नू आ जाते हैं। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ के बोले अम्मा मिठाई। अब बच्चे जब देखे कि सामने मिठाई वाला बैठा है और माँ बच्चों को खरीद के देने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो वो भी जिद कर लेते कि अम्मा मिठाई लेंगे, मिठाई लेंगे। तो मिठाई वाला सोचता है नन्हे नन्हे बच्चों को देख उसे प्यार आता है, तो वो कहता है कि मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की दो पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। और फिर उसने क्या किया कि माँ को देने के बजाय उसने कहा कि बच्चों को तुरंत कहा कि मिठाई ले लो, मैं देता हूँ तुम्हें, तुम खुश हो जाओ। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। उस समय महिलाएं जो थी वो बाहर निकलकर दुकानदारों के हाथों में पैसे नहीं देती थी, वो बाहर अंदर से पैसे रख देती थी और दुकानदार उसे ले लेता था। तो उसने पैसे दिए तो उसने अंदर से ही चेक के बाहर से हाथ निकाल कर पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। तो मिठाई वाले ने कहा कि मैं अब ये पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि वो अपनी कहानी बताकर रोहिणी को बहुत दुखित हो गया था और उसे अपने बच्चों की याद आ गई थी। और सामने चुन्नू मुन्नू को जब उसने देखा तो कहता कि मैं अब ये पैसे नहीं लूंगा, बहुत होगा पैसे लेना, इस बार ये पैसे नहीं लूंगा, मतलब इस बार मैं तुम्हें मिठाई ऐसे ही दे रहा हूँ, पैसे नहीं लूंगा कुछ भी हो जाए।
अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तो तुरंत ही दादी बोली कि नहीं, आप सामान बेचते हो पैसों के लिए तो अपने पैसे लेके जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। सामान दे रहे हो, पैसे नहीं लोगे तो पैसे लो, सामान दिए हो तो ठीक है पैसे भी लो। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। और तब उसको ये स्वर सुनाई पड़ता है कि बच्चों को बहलाने, वो सुनता नहीं है, चुपचाप वहां से रुकता है और चलता चला जाता है। पीछे वो बोलती है कि पैसे लेके जाओ, पैसे लेके जाओ, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता। बस वो जानता है कि मुझे इस बार पैसे नहीं लेना। चुन्नू मुन्नू को देखकर उसके मन में ये भाव आता है कि वो पैसे नहीं चाहिए, उसको तो बस चाहिए क्या कि बच्चों का प्यार, जिस प्यार के लिए वो सामान बेचता था, जिस प्यार के लिए वो व्याकुल रहता था। तो वो पैसे नहीं लेता और चला जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कहानी खत्म हुई एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे फेरी वाले की, जिसके जीवन में उसके पत्नी और उसके बच्चों का दुख है, और अपनी खुशी के लिए वो क्या करता है कि चीजें बदल बदल कर बेचता है, कभी 6 महीने के बाद, कभी 8 महीने के बाद। और उसको एक बहाना है बच्चों के बीच रहने का, कुछ खर्च के लिए चीजें मिल जाती थी और कुछ वो ऐसे ही चीजों को सोचता था कि कैसे बेचे, क्या करे। तो इस तरीके से वो तरह तरह के बदल बदल के चीजें लाता और फिर उन चीजों को बेचकर खुशी पाता। तो ये कहानी का हिस्सा था मिठाई वाला, नाम उसका मिठाई वाला, इसलिए आखिरी में वो मिठाई लेके आता है, इसीलिए कहानी के अंत में जो चीज आती है वो प्रभावी होती है। तो कहानी का नाम भी रख दिया गया मिठाई वाला, ताकि जो खिलौने वाला मुरली वाला था वही मिठाई वाला था, इस बात को आप अच्छी तरह से याद रख सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके प्रश्नोत्तरों की बारी है, तो आप प्रश्नोत्तरों पे तैयार हो जाइए कि जो प्रश्नोत्तर है मैं वो आपको लिखवाने चल रही हूँ। आप तैयार हो जाइए, मैं प्रश्न पढ़ूंगी, समझाऊंगी, फिर उसके बाद आपको उत्तर लिखवा भी दूंगी। तो आप अपनी कॉपी किताब खोल लीजिए और प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए तैयार हो जाइए। मैं शुरू करती हूँ। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वो महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे? तो ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मैं अब लिखवाऊंगी। तो आप तैयार हो जाइए अपनी कॉपी लेकर के, और आपको बता दूं कि प्रश्न आप अपनी कॉपी से लिख लीजिए, मैं तब तक इसको रब कर देती हूँ। मैं इसको रब कर देती हूँ। आप प्रश्न पहला लिखिए कि मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह क्यों महीने भर बाद आता था। तो लिखिए उत्तर नंबर एक। उत्तर नंबर एक, मिठाई वाला अलग-अलग चीजें, अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि उसका अपना इसलिए बेचता था क्योंकि क्योंकि उसे बच्चों से प्यार था, क्योंकि उसे बच्चों से प्यार था, उसका अपना परिवार था,
उसका भी कभी एक छोटा सा परिवार था और उसके बच्चे अब दुनिया में नहीं रहे। परंतु उसके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुख में डूबा वह इस कठोर सत्य से निकलने के दुख में डूबा वह इस कठोर सत्य से निकलने के लिए महीनों बाद कुछ लेकर बेचने निकल पड़ता। और बच्चों को खुश करने के लिए और बच्चों को खुश करने के लिए वह हर बार अलग अलग वह हर बार अलग अलग चीजें लाकर उनका मन बहलाता। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आप इसको उतार लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूं। अब मैं दूसरा प्रश्न पढ़ती हूं। दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े सभी उनकी ओर खींचे चले आते थे। तो पूछा है कि मिठाई वाले में ऐसे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े सभी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो इसका उत्तर मैं शुरू करती हूँ। उसके अंदर एक मधुर उसकी आवाज बहुत मधुर थी, बहुत मादक स्वर में बुलाता था और मीठे मीठे स्वर में गाता था। तो ये सारी चीजें उसके अंदर थी, इसलिए बच्चे बड़े सभी खींचे चले आते थे। तो चलिए मैं इसको शुरू करती हूँ लिखना। आप प्रश्न अपनी कॉपी से अपनी किताब में से लिखिए और डालिए उत्तर नंबर 2। मिठाई वाले का स्वर मिठाई वाले का स्वर अत्यधिक मधुर था। मिठाई वाले का स्वर अत्यधिक मधुर था। वह बच्चों को लुभाने के लिए
वह बच्चों को लुभाने के लिए वह बच्चों को लुभाने के लिए गाना गाकर चीजें बेचता था। और अपनी चीजों को और अपनी चीजों को कम दाम में भी बच्चों को दे देता था, जिसके कारण बच्चे और बड़े सभी उसकी आवाज के दीवाने होकर खींचे चले आते थे। देखिए हो गया आपका ये प्रश्न का उत्तर भी, तो आप इसको भी उतार लीजिए। चलिए मैं तीसरे प्रश्न पर आती हूँ। तीसरा प्रश्न है, विजय बाबू ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? तो क्या तर्क पेश करते हैं ये पूछा है कि मुरली वाले जो और जो विजय बाबू थे वो ग्राहक थे और जो मुरली वाला था वो एक विक्रेता था, तो दोनों अपना अपना क्या तर्क देते थे, इसका उत्तर लिखिए। उत्तर नंबर 3 डाल दीजिए। उत्तर नंबर 3 डालिए और लिखिए, विजय बाबू एक होशियार और होशियार और असंतुष्ट ग्राहक थे, इसलिए उन्हें लगता था कि आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक, उन्हें लगता था कि यह मुरली 2 पैसे की ही होगी, लगता था कि यह मुरली 2 पैसे की ही होगी, यह मुरली 2 पैसे की ही होगी। तीन पैसे की बताकर
तीन पैसे की बताकर मुरली वाला आसान कर रहा है। मुरली वाला उनकी अपने ही दिखाई देगा आपको, ऊपर लिखते हैं मुरली वाला उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। मुरली वाला उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। सोचता है कि दुकानदार चाहे नुकसान उठाकर ही क्यों न बेचे। ग्राहक हमेशा उसे गलत ही समझता है कि वह उसे लूट रहा है। तो देखिए प्रश्न का उत्तर हो गया। आप इस प्रश्न को भी उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और लिखते रहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपका स्क्रीनशॉट भी हो गया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।